गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास एक Xiaomi का स्मार्टफोन है तो आपको इस बात की खुशी होगी कि Xiaomi ने MIUI 12 सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया है। अच्छी बात यह है कि MIUI 12 बहुत से Xiaomi के स्मार्टफोन्स के लिए रोल आउट किया जाएगा, बल्कि बजट फोन्स जैसे कि Redmi 7A और Redmi 6A, इन जैसे फोन्स को भी यह सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपके Xiaomi स्मार्टफोन को ये सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। MIUI 12 बहुत से नए फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स और विजुअल चेंजेस के साथ आता है और इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपका फेवरेट MIUI 12 फीचर कौन सा है और क्या आपके Xiaomi स्मार्टफोन को ये नया अपडेट मिलेगा या नहीं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स के लिए MIUI 12 को 3 बैचेस में रोल आउट करेगा और सबसे पहले बैच को यह अपडेट जून के एंड तक मिल जाएगा। दूसरे बैच और तीसरे बैच को यह अपडेट कब मिलेगा, इसके जून के महीने तक कुछ Xiaomi स्मार्टफोन्स को MIUI 12 सॉफ्टवेयर मिल जाना चाहिए। इस बैच के लिए अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, पर इनमें से बहुत से डिवाइसेस भारत में खूब लोकप्रिय हैं। तीसरे बैच में बहुत से बजट फोन्स इंक्लूडेड हैं, पर इस बैच के टाइमलाइन की भी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। MIUI 12 के साथ Xiaomi ने अपने सॉफ्टवेयर में एक फ्लैटर लुक के लिए ऑप्ट किया है। साथ ही साथ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ब्राइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है और आपको टेक्स्ट के बीच वाइडर स्पेसिंग भी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से MIUI 12 विजुअली बड़ा अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में उतना ही मजा आएगा। MIUI 12 में नए जेस्चर्स और एनिमेशंस ऐड किए गए हैं, जो देखा जाए तो iOS से खूब इंस्पायर्ड लगते हैं, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये दिखते अच्छे हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर ये काम सही से करते हैं। बल्कि इनमें से मुझे कुछ एनिमेशंस तो बहुत पसंद है, जैसे कि स्क्रीन रोटेशन या फिर ऐप लॉन्च और क्लोज करना या फिर आइकन को होम स्क्रीन पर रीअरेंज करना। इसके साथ ही MIUI 12 में आपको एंड्रॉयड 10 स्टाइल नेविगेशन जेस्चर्स भी मिलते हैं। MIUI 12 में आपको कुछ बेहद ही बेहतरीन अर्थ और मार्स के थीम वाले लाइव वॉलपेपर्स और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल्स मिलते हैं, जिसे Xiaomi ने नासा के साथ साझेदारी में बनाए हैं। यह वॉलपेपर्स काफी यूनिक हैं। लॉक स्क्रीन पर आपको इन प्लैनेट्स का लॉन्ग शॉट देखने को मिलता है और डिवाइस को अनलॉक करते ही आपको इन प्लैनेट्स का क्लोजअप शॉट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नए डार्क मोड की बदौलत आप ये भी देख पाएंगे कि यह प्लैनेट्स रात के अंधेरे में कैसे दिखते हैं। MIUI 12 के नए डार्क मोड में Xiaomi ने फॉन्ट के वजन को एडजस्ट करने का और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने में खास ध्यान दिया है। बल्कि यहाँ पर एक नया वॉलपेपर डिमिंग फीचर भी मौजूद है, जिससे कि आपके फोन के वॉलपेपर पर दिन और रात के समय के अनुसार एक डार्क टिंट अप्लाई हो जाता है। Xiaomi ने MIUI 12 में प्राइवेसी पर खास ध्यान दिया है। एक नया फीचर है फ्लेयर, जिसकी मदद से आप उन सारी परमिशंस पर नजर रख सकते हैं जो आपने अलग अलग एप्स को दे रखी हैं। साथ ही आप इन एप्स को फ्लैग भी कर पाएंगे जब भी वे कैमरा या GPS का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद एक बार्ब्ड वायर फीचर आया है, जिससे कि आप किसी भी ऐप को लिमिटेड टाइम के लिए परमिशंस ग्रांट कर पाएंगे। इससे ये होगा कि या तो आपको किसी भी ऐप को हर बार परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी बार आप उस ऐप को खोलते हैं, या फिर आप उन परमिशंस को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एट ऑल टाइम्स पर भी सेट कर पाएंगे। इसके अलावा मास्क सिस्टम एक ऐसा नया फीचर है जो आपके फोन के एप्स को IMEI, कैलेंडर, कॉल लॉग्स और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से रोकता है। MIUI 12 में कुछ एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स मौजूद हैं, जो आपको आपके स्लीप पैटर्न्स पर एक एक्यूरेट नज़र रखने में मदद करेंगे। इन टूल्स की मदद से आप अपने स्लीप क्वालिटी के बारे में भी जान पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग पर भी ट्रैक रख पाएंगे।
MIUI 12 में आपको एक बेहतर मल्टी विंडो सपोर्ट मिलता है और इस सॉफ्टवेयर में पिक्चर इन पिक्चर मोड को एक नए तरीके से इंप्लीमेंट भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी मैसेज को एक छोटे से विंडो में एक्सपैंड करके रिप्लाई कर पाएंगे, जिसके बाद जैसे ही आपका काम हो जाता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप PUBG मोबाइल जैसी गेम्स को एक छोटे से विंडो में रख के अपने मैसेजेस का रिप्लाई कर पाएंगे। इससे यह होगा कि आप रिप्लाई करने के बाद सिर्फ एक टैप करने से सीमलेसली अपनी गेम में वापस लौट पाएंगे। MIUI 12 में कैमरा को रिवैम्प किया गया है। कैमरे का नया UI बेहद सिंपल है और इस नए ऐप में आप शूटिंग मोड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। हाँ, MIUI 12 का कैमरा ऐप देखने में तो अभी वाले कैमरा ऐप से काफ़ी मिलता जुलता है, पर इसमें एक नए कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है और इसके फॉन्ट्स पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो ये थे वो बेस्ट फीचर्स जो Xiaomi स्मार्टफोन्स को MIUI 12 सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे, पर मुझे अभी भी ये फील होता है कि Xiaomi को कुछ की एरियाज में अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। हम जल्द से जल्द MIUI 12 सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे जैसे ही हमें मौका मिलेगा इसे डाउनलोड करने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए hindi.gadgets360.com पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।